आपकी व्यूअर्स बिल्डर मोहम्मद इलियास खान और आप देख रहे हैं आसमान एसोसिएशन बिल्डर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर आपके सामने एक वीडियो रख रहा हूँ। ये हमारी एक कनाल की साइट है बैरीटाउन रावलपिंडी सेक्टर ए के अंदर। इस वक्त किचन का काम नीचे चल रहा है, ऊपर फ्लोर पे हूँ। नीचे चूँकि ज़रा शोर था, एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आपके सामने। ये मार्बल का टॉप दिख रहा होगा, ये बेसिकली खिड़कियों के ऊपर ये मौजू है। जो विंडोज़ जब हम लगाते हैं तो उसमें ज़्यादातर मसला क्या पेश आता है, जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। उसकी वजह ये है कि हम जब भी घर बनाते हैं या जब भी विंडोज़ फिट करते हैं तो उसका जो लेवल है वो हम सेम रखते हैं। सेम कभी नहीं रखना, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना। ये तकरीबन आप देखें, ये वाला जो मार्बल है ये इस साइड पर पूरा लगा हुआ है और ये उसके ऊपर एक इंच की हाइट पर ये रखा गया। अब इसका मतलब क्या है, विंडोज़ का जो फ्रेम होता है, चाहे वो आप लकड़ में लगा रहे हैं, चाहे वो आप एलुमिनियम वाले लगा रहे हैं, चाहे वो यूपीसी है, तो यहाँ पर जब आपका फ्रेम आ जाएगा तो जब बारिश होगी, वैसे तो ये भी मैं बिल्कुल टेरेस है मेरे सामने, यहाँ पे तो बारिश नहीं आ सकती, लेकिन मिसाल ये फ्रंट है या उस साइड पे घर में हर तरफ आपको मैं मज़ीद भी दिखाता हूँ, आप आगे आ जाएँ। सिर्फ ये नहीं है, आप ये साइड देख लें, ये भी है, ये भी देख लें, जूम करके दिखाएँ ताकि फ़र्क समझ आ जाए। इस तरफ से बनाएँ इनकी वीडियो, ये देखें कि एक इंच की हाइट पर रखा गया। यहाँ पे जब आपका फ्रेम फिट हो जाएगा तो मिसाल के तौर पर, अब ये ओपन एरिया है, तो जब बारिश आएगी शीशे के ऊपर लगेगी तो मिसाल के तौर पर, अब ज़्यादातर क्या मसला पेश आता है, शीशे पे जब पानी आता है तो नीचे जाके फ्रेम में स्टोर हो जाता है और फिर घर के अंदर सारा पानी आता है। यह मैं खुद फेस कर चुका हूँ। यहाँ पर आपका फ्रेम आ जाना है, मिसाल के तौर पर बारिश आती है, शीशे के ऊपर पानी लग के नीचे जाएगा तो इस तरफ आएगा, उस तरफ ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, आपके जहन में अब एक और चीज़ आ रही होगी कि अगर हम ये ना भी लगाएं तो खैर है, क्यों, क्योंकि हम सिलिकॉन लगा देंगे, लीकेज ना हो। वो एक आरजी हल है, वो आपका एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए बनाते वक्त ये अगर आप कर लें तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। ना सिलिकॉन की ज़रूरत है, ना टेंशन लेने की ज़रूरत है। पानी तेज़ आता है, कम आता है, बारिश तेज़ है, कम है, आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि लीक ना हो जाए, पानी अंदर ना आ जाए। क्योंकि जब पानी अंदर आएगा, मिसाल के तौर पर ये तो अभी कॉरिडोर है या लिविंग रूम है, यहाँ पर अंदर पानी आया, कारपेट होगा, कारपेट गीला हो गया, बदबू आएगी, बहुत से इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, पानी नीचे पत्थर में भी जा सकता है, सीम भी आ सकती है। तो ये वो सारी चीज़ें जो आपने वक्त पे इसको देखना है ताकि बाद में फिर मसला परेशानी ना हो। इस तरफ आप देख रहे होंगे, ये क्या हिसाब किताब है, ये हमारा टाइल का काम था, यहाँ पर टाइलें लग चुकी हैं। इंशाल्लाह जब भी हम इसकी पूरी सफाई करेंगे, सिरेमिक टाइल्स लगी हुई हैं ओरिएंट ब्रांड वाली, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ। मौजू मेरा इसी पे रहेगा, विंडोज़ चाहे वो यहाँ पे है, चाहे वो घर के उस साइड पे है, फ्रंट साइड पे है, बैक साइड पे है, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं चलता डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है या इस तरफ है। तो ये काम ज़रूर करवा लिया करें ताकि पानी की लीकेज से आप बच सकें। मजीद कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर वीडियोज़ देखनी है तो हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। हम बैरियर टाउन रावलपिंडी लोकेशन की बात करूँ, मेन क्या हम जहाँ पर सर्विसज देते हैं तो के पी के में हमारा जो बॉर्डर है वो पेशावर तक है, उससे आगे नहीं, और इस तरफ रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो अगर आप इन इलाकों से नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम सर्विसेज तो नहीं दे सकते लेकिन मशवरा अमानत है, मशवरा हम आपको ज़रूर देंगे। इसके साथ साथ मज़ीद इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से, कंस्ट्रक्शन देखने के हवाले से, ग्रे स्ट्रक्चर फिनिशिंग हो, ग्रे स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन हो, फाउंडेशन हो, हर एक चीज़ पर वीडियो बनी हुई है, हर एक चीज़ पर वीडियोज़ बना रहे हैं। मशवरा चाहिए, रब्ता करना है, काम करवाना है तो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है। मज़ीद हमारी वेबसाइट जो है www.asmangeocity.com, उसको विज़िट करें, वहाँ पे आपको बना बनाया प्लेटफॉर्म मिलेगा, कौन सा काम किस तरह होता है, सैंपल देखने, डिज़ाइन देखने, प्रोज एंड कॉन्स देखने, किस काम का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो सब वहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलता रहूँगा मज़ीद वीडियोज़ के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।